अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और भाई आज है व्लॉग का डे नंबर 89 डेज हो गए हमें भाई डेली व्लॉगिंग करते हुए। और भाई आज का जो व्लॉग है वो है किस बारे में, आप लोगों ने एक बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि मैंने जो एक लोगो डिजाइन का ट्यूटोरियल किया था तो वो आप लोगों को बड़ा पसंद आया था, तो मैंने कहा यार आज दोबारा कुछ ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड करते हैं ट्यूटोरियल। आज का जो व्लॉग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है नए यूट्यूबर्स के लिए, नए कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं यूट्यूब का थंबनेल। यूट्यूब के थंबनेल की डिजाइनिंग किस तरीके से होती है, यूट्यूब के थंबनेल में क्या क्या चीजें जरूरी होती है, उसकी डायमेंशन वगैरह, उसके फॉन्ट्स वगैरह, थंबनेल होता है छोटा सा, वो कितना ज्यादा आप एनहांस कर सकते हैं कि वो पहले ही आपको देखकर उस पर क्लिक पड़े। तो आज हम बनाने जा रहे हैं यूट्यूब का थंबनेल, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का। तो स्टार्ट करें डिजाइनिंग। आगे बढ़ते हैं सिस्टम के ऊपर। तो सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमने किन किन कैटेगरीज के ऊपर यूट्यूब के थंबनेल्स बनाने। तो लेट्स सपोज हम कैटेगरीज डिसाइड करते हैं। एक कैटेगरी हम रखते हैं फूड की कैटेगरी। लेट्स सपोज आप किसी रेस्टोरेंट गए या फिर आपने घर में कोई खाना बनाया है, तो उसका यूट्यूब का थंबनेल कैसा होगा। दूसरी कैटेगरी हम बनाते हैं गेमिंग का। गेमिंग का थंबनेल कैसे बनेगा, किसी गेम का स्ट्रीम करा है, लेट्स सपोज आपने पबजी का या कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम स्ट्रीम करा है और अब आप उसकी वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं, तो उसका यूट्यूब का थंबनेल कैसा होगा। तीसरी कैटेगरी हो जाती है बीच की, आउटिंग की, कि लेट्स सपोज जिस दिन आप पिकनिक पे गए हैं या किसी दिन आप आउटिंग पे गए हैं, उसका आपने एक डेली ब्लॉग बनाया है और वो अब आप यूट्यूब पे अपलोड करना चाह रहे हैं, तो उसका थंबनेल कैसा होगा। तो भाई सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यूट्यूब के थंबनेल का साइज क्या होता है। यूट्यूब के थंबनेल का साइज देख लेते हैं। यूट्यूब के थंबनेल का साइज होता है भाई 1280x720, 1280x720। सबसे पहले तो हम फोटोशॉप के ऊपर थंबनेल का साइज सिलेक्ट कर लेंगे 1280x720। ये आपके पास आ गया एक फ्रेम। हम बना रहे हैं एक फूड का थंबनेल पहले, सबसे पहले कि या तो हम किसी रेस्टोरेंट गए हैं या फिर हमने घर में कुछ बनाया है, तो इस कैटेगरी को हम इस तरीके से डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो फूड की पिक्चर ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मुझे फूड की पिक्चर देखकर अंदाजा हो जाएगा। छोटी छोटी सी बातें भी बता देता हूं मैं साथ साथ। लेट्स सपोज आप पिक्चर्स ढूंढना चाह रहे हैं, फ्री इमेजेस ढूंढना चाह रहे हैं, तो एक वेबसाइट है पिक्सेल इमेजेस, सही है। एक तो इमेजेस की वेबसाइट है, फ्री इमेजेस जहां से मिल जाती है पिक्सेल इमेजेस, और एक है freepic.com। freepic.com पे आके आपने क्या करना है, आपने इमेजेस में जाना है, फ्री करना है और फोटोज पे क्लिक कर देना है, क्योंकि अभी आप फोटोज ढूंढ रहे हैं और यहां पर आप लिख देंगे फूड। तो अभी फ्री और फोटोज के अंदर जितनी भी पिक्चर आएंगी ये सारी फ्री टू डाउनलोड है। कोई अच्छी सी पिक्चर ले लेते हैं, देसी खाने की वीडियो निकालते हैं, सही है, ताकि वो उसको हम रिलेट भी कर सकें। नॉर्मली क्या होता है, जो फूड की रेसिपीज होती हैं, जो लोग घर में कोई खाना बना रहे हैं तो उसकी रेसिपी लोग शेयर करते हैं, तो रेसिपी के लिए लेट्स सपोज ये बना हुआ है चावल और चिकन और रोटी वगैरह कुछ साथ है, तो ये भी हो सकता है। तो अभी हम देख लेते हैं पिक्चर, कोई अच्छी सी पिक्चर जो बड़ी अट्रैक्टिव सी पिक्चर हो। बिरयानी, आई हैव यूज्ड दिस पिक्चर बिकॉज एक मेरा थंबनेल था जिसके अंदर मैंने ये पिक्चर यूज करी थी। मैं आपको दिखाता हूँ वो थंबनेल, रुक जाए, दिस वॉज द थंबनेल, देख रहे हैं आप थंबनेल। तो ये मैंने एक थंबनेल बनाया था, जुम्मे का दिन था और हम बिरयानी खाने गए थे, तो आई थिंक और मेरे पास उससे रिलेटेड कोई पिक्चर थी नहीं। कभी कभार होता है ऐसे कि आप पिक्चर लेना भूल जाते हैं, आप वीडियो शूटिंग में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि आप पिक्चर नहीं लेते, तो क्या करें, फिर आप उससे रिलेटेड जो पिक्चर है वो इंटरनेट से निकाल लें। ये पिक्चर मैंने यहाँ से फ्री पिक से डाउनलोड की थी, एंड हम अपने थंबनेल के लिए पिक्चर ढूंढ रहे हैं। पिक्चर लाके हम रखते हैं सबसे पहले फ्रेम के अंदर और इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले तो, राइट। अच्छा, पिक्चर क्रॉप करना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो आप मिस नहीं कर सकते, सही है। जैसे लेट्स सपोज इस पिक्चर की वेथ इतनी थी, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ तो इसकी जो ऊपर वाले पार्ट है जहाँ पे ये आई थिंक समोसा और हरी मिर्चें रखी हुई हैं और यहाँ पर कुछ मसाले रखे हुए, वो मिस हो रहे हैं, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, अगर आप उसको मिस कराना चाह रहे हैं तो मिस करा सकते हैं,
मैं मिस नहीं कराना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा इस पोर्शन का, क्या करूँगा मैं क्या करूँगा, एक सिलेक्शन लूंगा यहाँ तक की और कंट्रोल जे करके और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। सही, तो अब ये पिक्चर मेरे पास आप देख रहे होंगे कि पूरी की पूरी मेरे आर्ट बोर्ड के ऊपर प्लेस हो गई है, ऐसे ही है। सही। अच्छा, आपकी थंबनेल का जो नाम है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम इस तरह से सोचते हैं कि ये जो फूड की रेसिपी मैं डाल रहा हूँ ये खाना मेरी अम्मी ने बनाया है। सही है, तो अब हम लिखते हैं। आप थोड़े से क्रिएटिव भी होने चाहिए ना कंटेंट राइटिंग के अंदर, क्योंकि कंटेंट राइटिंग अच्छा होगा, अगर आपकी कंटेंट अच्छा लिखा हुआ होगा तो फिर उसके ऊपर आप अच्छी एक अच्छा सा क्रिएटिव सा पंच लाइन दे सकते हैं, क्योंकि पंच लाइन अच्छी होगी तो ही खुलेगा वो। सही है, हम रखते हैं इसका नाम अम्मी के लजीज खाने। सही है, मुझे ऐसा बस एक फील आया, तो पहले सबसे पहले तो हम कंटेंट लिख लेते हैं अम्मी के लजीज। तो भाई मैंने ये सोचा कि मैं अपना ये जो फॉन्ट वाला पार्ट है ये लेफ्ट पे दिखाना चाह रहा हूँ और ये जो इमेजरी है सारी की सारी मैं लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ये जो मैंने ग्रुप बना दिया था इसको इसको मैं फ्लिप करूँगा और अपने टेक्स्ट को यहाँ लेकर आ जाऊँगा। फेयर इनफ, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो वो लेफ्ट से स्टार्ट होती है, तो ये हमने देख लिया। तो अब आपने बेस्ट फॉन्ट चूज करने, तो फॉन्ट चूज कैसे करेंगे, फूड फॉन्ट्स और उसके बाद आपने 1001fonts.com मतलब, तो यहाँ पर आप आएंगे, देखिए आपको सारे के सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। YouTube के थंबनेल के अंदर कितनी ज्यादा से ज्यादा एक हैपनिंग कर सकते हैं और बहुत मिनिमलिस्टिक रहते हुए। सही है, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ ये चीज कि ये जो YouTube का थंबनेल होता है ना वो बहुत छोटे साइज का होता है, तो इसके साथ ज्यादा हम डिजाइनिंग अगर करने की कोशिश करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। लेट्स सपोज ये मदर का एक वैक्टर हमने डाउनलोड करा और उसको हमने यहाँ पे लाके इम्पोर्ट कर दिया। ठीक है, नाउ आई थिंक अब आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि मैं करना क्या चाह रहा था। जब हमारे पास इतना नैरो स्टाइल का फॉन्ट होगा तो हमारे पास जगह होगी लेफ्ट साइड पे, क्योंकि आर्टबोर्ड अगर आपको देख रहे हो तो आर्टबोर्ड पे साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा कि इसके ऊपर अच्छी खासी जगह है।
आई होप आपको डिजाइन समझ आया होगा। YouTube के थंबनेल के अंदर का ज्यादा कुछ भरना नहीं होता, ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये कोई ऐप नहीं है, ये कोई ब्रोशर नहीं है, ये एक YouTube का थंबनेल है। सही है, YouTube के थंबनेल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो आपका जो डिजाइन हो, जो आपका फॉन्ट हो, वो बहुत ज्यादा इनहेंस और बहुत ज्यादा साफ सुथरा सा होना चाहिए। अगर आप इन सारी चीजों को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप इजीली आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक तो पड़ेगा, फिर बाकी सारा काम रह जाता है आपके कंटेंट का। क्योंकि सबसे पहले तो आपको उस थंबनेल के ऊपर क्लिक करवाना है जो थंबनेल आपने बनाया है। बनाने तो हमको टोटल 3 थंबनेल थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हम इसको 3 हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। आज हमने बनाया एक फूड का थंबनेल और गेमिंग का और आउटिंग का, जो भी 2 थंबनेल हमारे रह गए वो हम आगे आने वाले ब्लॉग्स के अंदर कवर करेंगे। इसी के हिस्से के पार्ट बना दूंगा मैं सारे। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।